पॉर्न क्या है? एक फैंटेसी वर्ल्ड ही तो है जहां पर हम खो जाते हैं जा करके। रियलिटी में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, रियलिटी में सिर्फ आपका एक मोबाइल है या एक कंप्यूटर है, आप सिर्फ इमेजिनेशन की एक दुनिया में खोए पड़े हो। वाइल वॉचिंग पॉर्न, ध्यान दो वहां पर हो क्या रहा है। तो आप देखोगे जैसे ही आपका ध्यान स्क्रीन में जाएगा तो अंदर बॉडी में बहुत तरह की सेंसेशंस होने लग जाएंगी, मतलब आप होश से बेहोश हो रहे हो, आपका कंट्रोल अपने ऊपर से जा रहा है। तो अगर इस चीज को आप देख पाओ, ये ज्यादा हो रहा है आप लोगों के लिए या समझ आ रहा है? हाँ, ये बड़ा आसान है करना, कोई मुश्किल नहीं, आज जा करके करना। ऐसे देखते रहते हो, हमें पॉर्न को प्रमोट नहीं कर रहा है, हाँ, हाँ। तो कोई ऐसा ना हो कि कोई नहीं भी देखता हो तो देखेंगे। जैसे ही आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको बहुत एक्साइट कर रहा है तो आप देखोगे आपका कंट्रोल आपके ऊपर से खोने लग जाएगा, आप उसमें खो जाओगे, मतलब आपका कंट्रोल अपने माइंड पर से गया। अब कंट्रोल आपका किसके हाथ में है? जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके हाथ में है, और कई तरह की बॉडी में सेंसेशंस। फिर एक सेकंड में अपना ध्यान मोबाइल की तरफ ले जाओ, देखो उस मोबाइल के बटन्स देखो, जैसे ही वो देखोगे बॉडी में सेंसेशंस होनी बंद हो जाएंगे, जो आप एक्साइट हो रहे थे ना वो खत्म हो जाएगी। ये एक्साइटमेंट क्या है? एक सपने के जैसा है। ये समझना है कि वो जो मैं मोबाइल में देख रहा हूं वो रियलिटी नहीं है, वो कचरा है, कुछ नहीं है। दैट इज जस्ट प्ले ऑफ लाइट्स एंड शेडोज, एक्चुअल में वहां पर कुछ भी नहीं है। एकदम से बटन दबाओ देखोगे गायब, फिर बटन ऑन करोगे फिर देखोगे कुछ आ गया। तो ये क्या है? एक इमेजिनेशन ही तो है, एक सपना ही तो है। तो सपने के पीछे मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं? तो आपको फर्क पता होना चाहिए सपना क्या है, रियलिटी क्या है, ताकि रियलिटी में जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करोगे किसी पर्सन के साथ में, तो उसको टच करो तो आपके माइंड में वो पॉर्न नहीं घूमनी चाहिए जो आप देखते आए हो, क्योंकि वो फैंटेसी उस रियलिटी से बिल्कुल अलग है। सर मुझे पता नहीं कि मतलब ऐसे सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ है, बट मेरे साथ तो है एटलीस्ट कि सर अर्जेस आती हैं और उसके बाद फिर प्लेजर के लिए जैसे भी वो करते भी हैं, ठीक है, बट सर मेरे साथ क्या होता है कि ऐसा करने का जो प्लेजर आता है उसके बाद रिग्रेट की फीलिंग आने लगती है, बुक टच करने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत बुरा लगता है कि नहीं करना चाहिए था, वो क्या चीज है? मेरे बहुत देखो, ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, इस बात को मेरी गांठ बांध लो अच्छे तरीके से। आप चाहे कुछ गलत से गलत भी कर जाओ, अगर उस गलती से आप सीख रहे हो तो वहां पर रिग्रेट की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब ये मत समझो कि मैं गलती ही ना करूं, कि मैं एक बार को सोच लूं कि हाँ अब मैंने अपना एक ये फिक्स कर दिया, हफ्ते में 3 दिन तो 3 दिन, बट आपको हुआ कि एक दिन में 3 बार हो गया, हो जाता है जी, भावनाओं में बह जाते हैं तो उससे सीख लो, उससे सीख लो, देखो उस दिन क्या क्या हुआ, देखो क्या गड़बड़ हुई उसके बाद, देखो आपकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, क्या पॉजिटिवली अफेक्ट हुई, क्या नेगेटिवली हुई। नेगेटिवली हुई तो बंद कर दो उस काम को, पॉजिटिवली हुई तो करो ना 3 बार को बंद कर, खत्म बात, एज सिंपल एज दैट। मतलब डोंट क्रिएट अननेसेसरी रूल्स इन योर लाइफ एंड डोंट गेट स्टक इन दोज रूल्स। मतलब आप खुद ही अपने एक बिलीफ बना रहे हो और खुद ही उसमें जाकर के फंस रहे हो, फिर खुद ही दुखी हो रहे हो। बट कोई इंपैक्ट नहीं होता है, फीलिंग दिमाग में स्टक है कि ऐसा किया और ये गलत हुआ है कुछ। हाँ, तो ये गलत सही को हटा दो, कुछ भी गलत सही नहीं है, अगर हम सीख रहे हैं तो सब कुछ सही है। गलत सही क्या होता है? लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको एक बॉडी मिली है जिसके अंदर कुछ अर्जेस उठी, उसके हिसाब से आपने एक्ट किया, कोई क्राइम तो नहीं किया ना, यू हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम। वो किया देन रिग्रेट होनी चाहिए, बट इफ यू हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम, आपने गलत किया किस बेस पे, मुझे लग रहा है गलत है, हो सकता है वो सही भी हो, है ना, उस टाइम पे अगर आप वो नहीं करते तो हो सकता है पागल खाने में या आपसे कुछ और हो जाता ठीक है जी, क्लियर है ना सर? जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और कभी कभी मतलब इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं लेकिन उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन आ जाता है बीच में, तो उसके मैं ये मतलब ये जानना चाह रहा हूँ हाउ टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माय लाइफ। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट। Whether it is masturbation or attraction towards somebody, इसका root cause क्या है? Body ऐसी ही है, इस तरह के desires होना natural है। तो अब उस desires को आप कैसे पूरा करोगे? एक तो ये है कि आप किसी और पे depend नहीं हो रहे हो। That is masturbation. That is much better than going to a prostitute and getting into all kinds of complications. या फिर किसी person को आप झूठ बोल करके, उसको बोल करके कि हाँ मैं बड़ा serious हूँ तेरे को लेकर के, whatever it is, और उसको झूठे झूठे सपने दिखा करके उसको यूज कर रहे हो कुछ अपने सेकंड्स के प्लेजर के लिए, उसकी भी आपने लाइफ बर्बाद करी और खुद की भी बर्बाद करी। ये बेटर है या मैस्टरबेशन बेटर है?
masturbation is any day better than all these things. वो एक कहावत है ना चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच